नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, जिसका नाम है इचोर चिंगड़ी। इचोर मतलब जैक फ्रूट, जिसे कटहल कहा जाता है हिंदी में। उसकी आज एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि प्रॉन फिश के साथ बनाऊँगी। ये एक बहुत ही बंगाली फेमस रेसिपी है, तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने प्रॉन फिश को अच्छे से धो के फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए हम इसको हल्के में थोड़ा फ्राई करेंगे। करने के बाद उसी ऑयल में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, उसके बाद 2 दालचीनी, 2 इलायची और 3 लौंग मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। करके थोड़ा सा हल्का भूनना है हमको। यहाँ पर थोड़ा तेल जो है मैं और थोड़ा सा ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मस्टर्ड ऑयल में खाना जो है वो थोड़ा सा और टेस्टी होता है, इसलिए मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। जैसे ये थोड़े स्पाइसेस जैसे थोड़े से भून जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर आलू जो मैंने पहले से कट करके रखा है उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आलू मैं इसको इसलिए ऐड कर रही हूँ उस रेसिपी में, जिससे कि ये जो रेसिपी है इसमें एक थिकनेस आएगा आलू आलू से। अगर आपको आलू नहीं ऐड करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मुझे एक मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मुझे 2 प्याज, कुछ लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक के टुकड़ा मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। इसका एक फाइन पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। जब तक पेस्ट तैयार होता है, मैं इसमें कटहल जो मैंने पहले से थोड़ा सा बॉयल करके रखा है, प्रेशर कुकर में बॉयल नहीं किया है मैंने, जस्ट इसे हल्का सा एक उबाल आने तक मैंने इसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया है, करके मैं इसमें ऐड करूँगी। करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में मुझे इसे अच्छे तरीके से भूनना होगा। उसके बाद मैंने जो एक मसाला तैयार किया है प्याज अदरक और लहसुन का, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ऐड करके मैं इसे 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से चला लूँगी, जिससे कि इसमें जो एक कच्चापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब मैं इसमें एक एक करके मसाले मिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर शुगर ऐड किए हैं। करके मुझे अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे, जिससे कि ये मसाले जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। करके हम इसे एकदम कम लो फ्लेम में इसे ढक देंगे करीबन 10 मिनट के लिए, जिससे कि ये जो आलू और ये कटहल जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, इसलिए हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च, जो कि मैंने यहाँ पर बीच से चीरा लगा लिया है, अभी तक मैंने इसमें मिर्च ऐड नहीं किया है, मैं इसमें अब हरी मिर्च ऐड करूँगी। करके अब मैं इसको ढक दूँगी करीबन 10 मिनट के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी बहुत सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब मैं इसे इसमें करीबन 1/2 लीटर पानी जो है वो ऐड कर दूंगी। 10 मिनट बाद मैं इसे 1/2 लीटर पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ। करने के बाद इसमें अच्छे तरीके से जब तक उबाल ना आ जाए तब तक हमें इसको पकाना है करीबन 5 मिनट के लिए। इसे हम हाई फ्लेम में छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें अच्छे तरीके से एक उबाल आ जाए। 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे अच्छे तरीके से उबाल आने तक। ये देखिए, अच्छे तरीके से ये इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें प्रॉन फिश जो हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। प्रॉन फिश को देने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा हमको पकाना नहीं होता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और ज़्यादा। दो मिनट बाद अब हम इसमें थोड़े से धनिया पत्ती के साथ इसको गार्निश कर देंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड करूंगी। करने के बाद ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
अब हम इसको एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। आज की मेरी ये रेसिपी बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।